मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप बज रहे सुबह के 6:30 और मैं नहाकर फूल तोड़ ले आई हूँ। और पहले पानी भर लेती हूँ। अब इस वक्त लाइट है, फिर बाद में लाइट चली जाएगी तो पानी भरने में नहीं आएगा। तो साथ ही साथ मैं पूजा के लिए पानी भर ली है, एक कलसी भर के, फिर ये पीने के लिए हंडा भी भर ले रही हूँ। और एक कैन लिया है, जो फिल्टर वाला, जो फिल्टर के दुकानों में हमें कैन मिलता है ना, वो कैन ले आए हैं। क्योंकि एक ही ये जो हांडा है ना स्टील का, यही था मेरे पास, घड़े सारे फूट गए हैं तो इसलिए इनको घड़ा लाने के लिए बोला था, तो एक कैन ले आए हैं। तो अब यही कैन भर कर रख देंगे और अच्छा भी है, इसे नीचे नल भी है, बच्चों को अंदर कुछ डुबाने की ज़रूरत नहीं है, नल चालू करेंगे तो पानी आता रहेगा, ये घड़े से भी अच्छा है। तो इसे मैं अच्छे से धुल कर रख दे रही हूँ, मैंने रात में भी धुला था इसे, अब भी फिर से एक बार धुल दे रही हूँ, धुल कर फिर पानी भर कर रख दूंगी इसमें। कल से हंडा सब भर कर मैंने ढककर रख दिया है और ये कैन भी भर चुका है, तो इसे उठाकर नीचे रख देंगे। और इसमें ना एक अच्छी बात है, अगर हम ठंडा पानी भर कर रख देंगे तो दिन भर ठंडा रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल रहेगा। तो पानी भरने के बाद मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। तो पूजा हो चुकी है मेरी, तो आरती कर ले रही हूँ और बाहर तुलसा जी के लिए जल लेकर जाऊँगी। तो बाहर के लिए पानी ले रही हूँ, तो अब जाऊँगी जल लेकर। पूजा होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब बज रहे सुबह के 7:30। तो दीपक दिनेश ने नहाया नहीं है, तो उनके लिए मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, बाद में नहाएंगे वो, उन्हें जल्दी से नहाना नहीं होता है, बहुत आलस है। नहाने के लिए बोलो तो कोई जंग लड़ने जा रहे हैं ऐसा मुँह बना लेते हैं। तो दूध पीने के बाद नहा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चाय भी है, तो चाय पी लेते, आ जाए आप भी। तो ये देखिए नहाया नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है। और यहाँ पर ये रस्सी कुछ ऊपर नीचे हो गई, तो उसे पता नहीं क्या करता रहता है, उसे ऊपर बांध रहा है अभी थोड़ा सा। और मैं चाय भी करा चुकी हूँ, यहाँ पर दाल और चावल बना ले रही हूँ। तो चावल इधर रख दिए हैं और दाल पककर रेडी है, तो उसे तड़का लगा दे रही हूँ। और दिनेश को ज़बरदस्ती बाथरूम में बिठा कर आ चुकी हूँ, वो नहा लेगा तब तक। जब से स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए ना, तब से ये बच्चे बिल्कुल नहाने में इतना आलस है। वही इन्हें पहले क्या होता था, जल्दी उठते ही नहाते थे सभी, क्योंकि इन्हें स्कूल जाने का टाइम होता था, 9 बजे तक सब कुछ होता था, नहाना दूध पीना सब होता था, फिर बाद में खाना खाते थे, फिर स्कूल चला जाते थे। और दीपक का तो क्या बताऊँ आपको, 5 बजे नहा लेता था वो, और 6 बजे तो घर से बाहर चला जाता था, कॉलेज के लिए निकल जाता था। अब ऐसा आलस हुआ है ना इन बच्चों को, 10 बज रहे फिर भी ये नहाने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें इनका। तो यहाँ पर दाल को तड़का लग चुका है, इधर चावल भी पककर रेडी है। दिनेश यहाँ पर देखिए कैसे लटकता रहता है, और ये दीपक नहाने के लिए पानी निकाल रहा है, और ये नहाकर आ चुका है, तो इसे दाल चावल दे दिया। और यहाँ पर फिल्टर का कैन मैंने स्टूल पर रख दिया है, और ऊपर एक ग्लास रख दिया है, ताकि जब भी इन्हें प्यास लगे ग्लास से पानी ले ले और पी ले। यह अच्छी बात हो गई, अब हांडे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबने दाल चावल खा लिए हैं और कपड़े भी धो डाले हैं मैंने, बर्तन भी धो चुके हैं, सारे काम निपटा कर मैं आ चुके हैं बाहर। गेहूँ साफ कर रही हूँ, दीपक यहाँ पर उसके दोस्तों से बातें करते हुए, यहाँ अच्छी हवा चल रही है तो नीचे बैठा है। 3 से 4 किलो गेहूँ मैंने साफ कर लिए, बहुत इसके अंदर कचरा है, कंकर है, तो ये हो नहीं पा रहा है, तो इतने ही मैंने साफ करे, इतने ही पीसने के लिए रख दूंगी और जो बाकी के बाद में धो डालूंगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप बज रहे 12:00 और मेरे आँखों में आपको पानी दिखता होगा, मैं रो नहीं रही थी, मैं प्याज काट रही थी, प्याज बहुत तीखी है तो आँखों में पानी आ गया काटते समय। और मैं अब बनाने जा रही हूँ गोभी की सब्जी, सुबह दाल चावल रोटी सब सुबह बनाया था, अब रोटियाँ तो नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ है तो बस थोड़ी सी गोभी की सब्जी बनाऊँगी। तो ये गोभी है, तो इसमें का बस थोड़ा सा हिस्सा काटकर इसकी सब्जी में बनाऊंगी। खाने का टाइम भी हुआ जा रहा है, 1 बज रहे, दिनेश के पापा आते ही होंगे। अब से गेहूँ साफ करने में लगी हुई हूँ, 3 से 4 किलो गेहूँ साफ किए है 2 घंटों में, उसमें बहुत कंकर है और कचरा भी है,
तो उसे मैं सोच रही हूँ कल धो ही डालूँ। अब थोड़े से गेहूँ मैंने साफ कर लिए, मैं पीस लूँगी, फिर बाद में उसे मैं कल उसे धूल डालूँगी। इस तरह से साफ करना, उसके अंदर के कंकर चुनना तो नहीं होगा, बहुत टाइम चला जा रहा है उसमें, तो इसलिए वो कल मैं धो लूँगी। अब टाइम 1 बज चुके हैं तो धूप भी नहीं मिल पाएगी, अब धोऊँगी। और 3-4 बजे ना बारिश आने शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, अब ना हर रोज़ बारिश आ रही है। अब एकदम साफ है, बादल एकदम साफ है, कुछ नहीं है। फिर एकदम 3 बजे ना सारे बादल भर आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। फिर गेहूँ अगर मैं अब धोऊँगी तो बिल्कुल सूख नहीं पाएंगे, तो कल जल्दी से मैं उसे धूल डालूँगी। अब मैं गेहूँ पीसने के लिए डाल चुकी हूँ चक्की के ऊपर, गेहूँ बाहर पीस रहे हैं, तो मैं टाइम खाने का टाइम हो जा रहा है, तो गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए फटाफट से मैंने प्याज काट ली है, अभी गोभी भी काट लूँगी। हरा धनिया है, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा काट ली है और थोड़ी सी गोभी काट ली है। सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा प्याज डालकर बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से। तो 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, अब इसमें डाली है राई और जीरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डाला है 1/2 चम्मच। और कड़ी पत्ते मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ, कड़ी पत्ते यहाँ पर लिए नहीं है, मैं भूल गई, तो यहाँ पर कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है और डाल दिया इसके अंदर। तो कड़ी पत्ता जैसे चटकने लगा तो इसके अंदर डालिए ये हरा धनिया और प्याज एक साथ डाल दिए, और इस तरह से थोड़ा सा प्याज को भून लिया है, ज़्यादा नहीं भुना है, एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को। बस इसी प्रोसेस में इसके अंदर डालिए हल्दी पाउडर, अब डालेंगे ये कटी हुई गोभी, इसे धीमी गैस पर मिला दे रही हूँ, थोड़ी देर मिलाएंगे इसी तरह से। अब डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और ये स्वाद अनुसार नमक, इसे मिला देंगे इस तरह से। और सूखी सब्जी बना रही हूँ इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये सब्जी सूखी अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसका स्वाद चला जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, अब इसे ढककर रख देंगे। तो ये आने के बाद हमने खाना खा लिया है, गोभी की सब्जी, रोटी, चावल और सुबह की दाल भी थी, और आते समय ये आम ले आए थे। इस वक्त तो सब मार्केट बंद है, बस कोई भंडी वाला ही नहीं दिखा था रास्ते में, तो ले आए थे आम, तो धुल कर रख दिए। हम आ चुके हैं छत पर, यहाँ कल ना थोड़ा सा सीमेंट डाला है दिनेश पापा ने खिड़की की सज्जी के ऊपर, वहाँ पानी रुक रहा था तो पानी डालने से रह नहीं पा रहा है, काफ़ी धूप है, इसलिए मैं थैले काट कर डाल दे रही हूँ भिगो कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 8 बज रहे और मैं बना दे रही हूँ खिचड़ी। कल वीडियो का एंड हो नहीं पाया, कामों में लगी रही छत पर ना, बहुत सारे काम हो चुके हैं कल, सारे थैले काट कर भिगो कर सब तरफ डाल दिए हैं, तो इसीलिए कब दिन चला गया कुछ समझ में नहीं आया। आने के बाद पूजा हो चुकी है मेरी, फिर चाय दूध सब हो चुका है, अब मैं सोच रही थी कब से नाश्ते में क्या बनाऊं, तो मैं फटाफट से खिचड़ी बना ले रही हूँ। तो चावल भी ऊपर रख दिए मैंने 1/2 घंटे पहले, और यहाँ पर लगा दे रही हूँ तड़का, तो राई और जीरा डाल दिया, जैसे राई जीरा चटनी लगा तो इसके अंदर कड़ी पत्ते डाले हैं, फिर लहसुन डाला है और हरी मिर्च डालकर इसे मिला दे रही हूँ। एक आलू काट लिया, अदरक सब तैयारी कर लिए खिचड़ी की, बस बच्चों के लिए खिचड़ी बना कर दे दूँगी। हमारा व्रत है आज गुरुवार का दिन है, तो व्रत रहता है, बस दीपक दिनेश के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी, फिर दोपहर के लंच में कुछ और बना लूँगी। तो सब कुछ डालकर मैंने कुकर में अच्छे से मिला दे रही हूँ। लास्ट में डाला है टमाटर, अब डालेंगे भीगे हुए चावल। भीगे हुए चावल डालकर खिचड़ी बनाते हैं ना, बहुत अच्छा और बहुत नरम खिचड़ी बनती है, और दिनेश को ना थोड़ी सी चिपचिपी खिचड़ी पसंद है, ज़्यादा खिली खिली नहीं खाता है वो, चावल भी ना थोड़ी सी चिपचिपी ही बोलता रहता है, तो इसलिए मैं भिगो कर ही बना रही हूँ आजकल। भिगो कर बनाने से बहुत नरम चावल बनते हैं। तो इसमें डाला है मैंने पानी, अब डालेंगे स्वादानुसार नमक और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। और ये मसाला है, थोड़ा सा घर पर बनाया था मैंने, तो मसाला डाल दिया है, और इसे मिलाकर ढक कर रख देंगे। आज दिन गुरुवार का है, मेरा और
खा ली है। अब दोपहर के लंच में उनको उनके लिए कुछ बनाऊंगी, हमारा तो खाना रात में बनेगा। तो अब इसी के साथ वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी वीडियो से ब्लॉग सबको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।